आदरणीय समी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, संवाद सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 10वें चैप्टर की कल चर्चा की थी, तो वो पूरा नहीं हुआ था। उसमें से हमने 10 धर्मों की, 10 चित्त समाधि के स्थानों की हमने चर्चा की थी। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मूल पाठ का वाचन करेंगे। मंदिरेण पव्वे मूले 10 जोयण सह साई इखम भेण पन्नते। मंदर पर्वत यानी सुमेरु पर्वत, तो सुमेरु पर्वत है वो मूल में कितना है 10,000 योजन, जिसका मैंने विस्तार वाला पन्नते में कहा गया है। मेरु पर्वत इतना लंबा चौड़ा है 10,000, मैंने इतना विस्तार वाला। अरिहाणम अरिष्ट नेमी 10 धनुम उद्यम उच्चतेन होता। जो अरिष्ट नेमी 22वें भगवान थे, उनकी हाइट थी 10 धनुष, यानी भगवान महावीर की तो 7 हाथ की थी, भगवान पार्श्वनाथ की 9 हाथ की थी, इनकी 10 धनुष की हाइट थी। और कृष्ण वासुदेव जो चचेरे भाई थे कृष्ण वासुदेव, उनके उनकी भी 10 धनुष थी। और राम बलराम जो बलराम होते हैं उनकी भी, मतलब वासुदेव और बलराम उनका साथ में जन्म होता है, मतलब एक ही, मतलब पिता उनके अलग होते हैं और माता ना एक होती, एक एक होती है। तो ऐसे करके तो राम और वासुदेव, तो राम बलराम थे, उनकी भी 10 धनुष हाइट थी। 10 नक्षत्र नाण उड्डी करा पनत्ता। जो 10 नक्षत्र हैं उसे नाण यानी ज्ञान की बुद्धि का मतलब वृद्धि होती है। तो 10 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें हम अगर अभ्यास स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। वो कौन से नक्षत्र हैं, तो जिसमें हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे ज्ञान बढ़ता है, वो 10 नक्षत्र है। मिक्षिर, मिक्षिर का मतलब वृक्ष, अद्दा का आद्रा नक्षत्र, पुष्य यानी पुष्य नक्षत्र, तिन्नीय पुब्बाय मूलमस्य सा, तीनों पूर्वाए, पूर्वाय फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा पूर्वा साधा, पूर्वा भद्रपदा, मूल आश्लेषा हस्त और चित्र। 10 नक्षत्र ज्ञान की वृद्धि करते हैं, यानी इन नक्षत्र में हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है ना, समय भी होना चाहिए, कौन सा समय हमें पढ़ना चाहिए, कौन से नक्षत्र में, कौन से दिनों में हमें ज्ञान मतलब प्राप्त हो सकता है, जल्दी मिल सकता है, उसका भी पर्टिकुलर टाइम होता है। कौन से समय हमें पढ़ना चाहिए, कौन से समय हमें ज्ञान करना चाहिए, इसमें बताया है कि जो 10 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें हम अगर पढ़ते हैं, विद्या प्रारंभ करते हैं, तो वो हमें जल्दी आते हैं, उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी ज्ञान बढ़ता है इससे। ऐसे तो अपना ज्ञानावणी कर्म का क्षोभसम होता है, उसको ज्ञान जल्दी होता है, लेकिन इसमें भी ये नक्षत्र में यदि हम प्रारंभ करते हैं तो उससे भी ये निमित्त बनता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सारे निमित्त बनते हैं, तो ज्ञानावणी कर्म का क्षोभसम तो है ही, उसके साथ साथ ये नक्षत्र भी निमित्त बनता है। इस नक्षत्र में यदि हम प्रारंभ करेंगे हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी। उसके साथ साथ जिसको यदि याद न रहता हूं, वो ओम नमो नारस, ओम नमो नारस, इसकी प्रतिदिन एक माला करे, तो यहाँ पे येलो कलर में वो ध्यान करे, उससे भी हमारी मेमोरी बढ़ती है। मेमोरी बढ़ाने के लिए एक प्रयोग बहुत अच्छा है, ओम की साउंड रोज करो 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको टाइम, उससे भी मेमोरी पावर बढ़ता है। महाप्राण ध्वनि है, उससे भी मेमोरी पावर बढ़ता है। कान खींचे बुद्धि बढ़ाएंगे, तो कान खींचने से भी हमारी बुद्धि बढ़ती है। आपको पता हो जब छोटे आप होंगे, मैं छोटी थी, मुझे याद है कि स्कूल में हम जब जाते थे थोड़े लेट पहुंचते थे तो हमारे कान खींचते थे, इसीलिए क्योंकि आज जो आपने मिस्टेक की है कल मिस्टेक न हो। कान खींचने से हमारी क्या होती है, बुद्धि बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ता है। तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ज्ञान मुद्रा, 3 अंगुली सीधी रखना है और अंगूठा और अंगुली इनको मिलाना है, तो ये बोलते हैं इसको ज्ञान मुद्रा। तो जो महापुरुष होते हैं वो अपनी मुद्रा को ऐसे रखते हैं, आपने भगवान बुद्ध की मुद्रा देखी हो तो इस मुद्रा में वो रहते थे, 3 अंगुली सीधी, फर्स्ट अंगुली और अंगूठा, इनको हम मिलाएंगे तो इसको पोस्टर बन जाती है हमारी नॉलेज यानी ज्ञान मुद्रा।
इससे भी हमारी मेमोरी पावर स्ट्रोंग होता है, क्योंकि हम लिखते ऐसे हैं क्योंकि इससे हमारे स्ट्रेस होता है थोड़ा, उससे क्या होता है हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होते हैं, इसलिए हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, कोई ऐसे नहीं लिखता है। तो ये है ज्ञान मुद्रा, इससे भी मेमोरी पावर हमारा स्ट्रोंग होता है। तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कई प्रयोग होते हैं, आसन भी हैं, रेबिट आसन जिसको हम शशांक आसन कहते हैं, यदि शशांक आसन करें प्रतिदिन उससे हमारा मेमोरी पावर स्ट्रोंग होता है, क्योंकि हम झुकेंगे, झुकने से क्या होगा हमारा जो ब्लड है वो ब्रेन की ओर जाएगा, मस्तक की ओर जाएगा, और उसके साथ साथ मेमोरी पावर बढ़ेगा। उससे रैपिड आसन करने से दूसरा लाभ होगा, हमारा गुस्सा शांत होगा, क्योंकि एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके ऊपर दबाव आएगा, जिससे हमारा गुस्सा भी शांत होगा, वासना भी शांत होगी और विनम्रता का विकास होगा, क्योंकि झुकेंगे उससे। किसी ने कहा है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन खास मुद्दे की पहचान है। वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें जान यानी प्राण होता है, जिसमें प्राण नहीं होता है जो मुर्दा होता है वो झुक नहीं सकता है। वैसे जिसमें विनम्रता होती है वह व्यक्ति झुक सकता है। तो शशांक आसन करने से विनम्रता का भी विकास होता है, गुस्सा भी शांत होता है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको टाइम हो तो सुबह 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आप रुक सकते नीचे, क्योंकि दोनों हाथ सीधे करके फिर नीचे हमें दोनों हाथों को रखना है, वंदना की मुद्रा में बैठ करके नाक को हमें क्या है जमीन से टच करना है, जितनी देर आप बैठ सकते हैं नीचे झुक करके रह सकते उतना रहना है, फिर वापस श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाना है, तो वो है रेबिट आसन। तो ये कई प्रयोग है ज्ञान वृद्धि के, यदि हम उनमें से कुछ प्रयोग करें तो हम अपनी मेमोरी को सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं तो एक एज के बाद क्या होता है धीरे धीरे हमारी मेमोरी क्या है लॉस होने लगती है, स्लो होने लगती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, एक बार यदि वो सेल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं फिर वो वापस नहीं बनते हैं, इसीलिए धीरे धीरे हमारी मेमोरी पावर भी कम होती है, हमारा जो बॉडी होती है उसमें भी चेंजेज होता है, झुर्रियां रिंकल्स आने लगती हैं, तो उसका कारण क्या है हमारे जो सेल्स हैं वो नए नहीं बनते हैं, इसके कारण होता है। तो 40 साल तक तो व्यक्ति एकदम युवा जैसा लगता है, 40 साल जब पार हो जाते हैं 40, उसके बाद धीरे धीरे शरीर पे असर दिखता है, और 50 साल से 60 साल के बाद ज्यादा दिखता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ प्रयोग भी करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, और साथ में मुद्राओं का प्रयोग। मुद्राओं का एक बहुत अच्छा पीपीटी भी है, हमें हमने तैयार किया है, अगर कभी टाइम होगा तो आपकी कौन सी मुद्रा से क्या लाभ होता है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को याद नहीं रहता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे मतलब मुद्राओं का प्रयोग है। तो कभी टाइम होगा तो आपको एक लेक्चर उसके ऊपर कर देंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ कुछ प्रयोग है आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ज्ञान के अंतर्गत दिए हैं, उनमें से एक तो प्रयोग भी हम प्रतिदिन करें, रेगुलर कोई भी प्रयोग करें कम से कम 3 महीना करना चाहिए। तो 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आता है, केवल हमने 2 दिन किया अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, कम से कम 3 महीना करें तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ हमने ये प्रयोग किया, ये एक्सरसाइज की, उससे हमें ये बेनिफिट हुआ। तो 10 नक्षत्र आपको समझ में आ गए, तो ये नक्षत्र आप ध्यान रख सकते हैं कि ये कौन सा नक्षत्र चल रहा है, उसको देखने के लिए आपको पंचांग जो होता है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मंथ तो आपको पता है कि अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन नक्षत्र कौन सा चल रहा है वो उसको देखने के लिए हमें बड़ा जो पंचांग होता है उसको देख करके हम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है, बहुत अच्छा है, ये 10 कल्पवृक्ष की बातें हम तो सुनते हैं, लेकिन इनके नाम समवायिक सूत्र में आया है, तो बहुत अच्छी चीज हमें मिल गई है। अकम्म भूमि आनम मनु आनम 10 विहार रुखा वो भोगत्ताय उत्थिया पनत्ता तंजहा। अकम्म भूमि आनम, अकम्म भूमि आनम का अकर्म भूमिज मनुष्यो के, मनु आनम मानी मनुष्यो के, 10 विहा, 10 विहा ने 10 प्रकार के, रुखा यानी वृक्ष, वो भोगत्ताय, वो भोगत्ताय उपभोग के लिए उत्थिया उपस्थित रहते हैं,
तंजहा, वो कौन कौन से हैं? क्योंकि दो प्रकार के मनुष्य होते, एक तो कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं, एक अकर्म भूमि के मनुष्य होते हैं। तो पहला आरा और दूसरा और तीसरा, ये तीनों प्रथम तीन आ रहे हैं, उसको अकर्म भूमि कहा जाता है या उसको भोग भूमि भी कहते हैं। जो दिगंबर परंपरा है उसको भोग भूमि कहते हैं और श्वेतांबर परंपरा अकर्म भूमि कहते हैं। अकर्म यानी वहां किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करना होता है, केवल भोग ही भोगना होता है, यानी रेडीमेड सब कुछ मिलता है, उनको कुछ भी अपनी ओर से प्रिपेयर नहीं करना होता है। आपको तो सपोज लंच करना है तो आपको सारा प्रिपेयर करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना है सारा बनाना पड़ता है। लेकिन उस समय के जो लोग थे तो वो उनकी इच्छाएं सब कहाँ से पूरी होती थी? 10 प्रकार की कल्प वृक्षों से होती थी। उनको खाने की इच्छा होती तो कौन सा कल्प वृक्ष होता था वो सब बता रहे कि वह किस वृक्ष से मांगते तो क्या मिलता था। वो 10 प्रकार के वृक्ष हैं, किसी से खाना मिल जाता, किसी से कपड़े मिल जाते, किसी से घर मिल जाता, जो भी मांगते वो सब मिल जाता, बस केवल मांगा और हाथ में आ गया। जैसे अभी हम देखते हैं अमेरिका में जो पेपर होता है, जैसे हाथ नीचे करते पेपर आ जाते हैं, ऐसे हाथ करते पानी आ जाता है। अभी तो बाकी तो कुछ नहीं आता है, वो सारा सेटअप है यहाँ तो। लेकिन उस समय ऐसे वृक्ष होते थे जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता था, तो 10 प्रकार के वो होते थे। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वो उस मनुष्य की, जो उस जमाने के जो मनुष्य थे, अकर्म भूमि के मनुष्य थे, उनकी सारी इच्छाएं उनसे पूरी होती थी। इसलिए उनको ना बिजनेस करना पड़ता था, ना जॉब करनी पड़ती थी, ना रसोई करनी पड़ती थी, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, बस तैयार ही जो कुछ इच्छा होती वो मांग लेते और आराम से इंजॉय करते रहते, घूमते फिरते वो मजा करते रहते थे। ऐसा उनका आयुष्य भी कितना लंबा होता था। पहले आर्य के जो जीव थे, पहला आ रहा था सुषम सुषमा, एकांत सुख, कोई दुख नहीं, उसमें उनके आयुष्य थे पहले आर्य की 3 पल्लोपम की, इतनी बड़ी है 3 पल्लोपम। तो पल्लोपम भी कितना बड़ा होता है आपको बताया था, वापस बता देती हूँ उसको। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कुआ है, कुएं के अंदर आपने क्या किया? 7 दिन के जन्मे हुए यौगिकों के बाल डाले, उसको पूरा उस बालों से उस कुएं को ठूस ठूस करके भर दिया। उसके बाद चक्रवर्ती के ऊपर सेना चले, फिर भी बाल एक भी इधर से उधर नहीं होगा। ऐसे कुएं में से 100 साल के बाद एक बाल निकालना, एक बाल का टुकड़ा निकालना, उस कुएं को खाली होने में कितना समय लगेगा? वो तो एक पल्लोपम है। ऐसे उनकी आयुष्य कितनी होती थी? 3 पल्लोपम, इतनी लंबी आयुष्य होती थी। और वो 3 दिन से खाते थे, वो भी कितना खाते थे? बेर जितना नहीं, चावल नहीं, सॉरी, वो अरहर की दाल होती, तुवेर की दाल, तुवेर की दाल जितना दाना उतना सा खाते थे। 3 दिन तक उनको भूख नहीं लगती थी, क्योंकि उस समय इतनी, मतलब पृथ्वी की जो, मतलब पृथ्वी में जो मिठास थी, जमीन की जो मिठास थी, बहुत अच्छी थी। और कल्प वृक्ष जो भी देते थे उनका बस थोड़ा सा खाना खाते उनकी तृप्ति हो जाती थी, उनको भूख नहीं लगती थी। वर्तमान समय में तो खाने में कोई ताकत नहीं, खाते पीते भी कमजोरी लगती है, एनर्जी नहीं खाने में भी, इसलिए बार बार हमें भूख लग जाती है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद वापस खाने की इच्छा हो जाती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन से थे वो बता रहे हैं। मद्यांग, मतंग यानी मद्यांग, भिंगा यानी भृंग, तुरी अंगा यानी तुर्यांग, दीव का मतलब दीपांग, ज्योई का मतलब ज्योतिरंग, चित्तंगा का मतलब चित्रांग, चित्तंगा, त्र था इसका र का लोप हो गया तो डबल त हो गया, चित्तंगा बन गया। चित्तरसा, चित्तरसा है चित्तरस, मणि अंगा मन्यंग, गेहाकारा गेहाका, गेह का मतलब घर होता है, घर का आकार वैसा। अनिग्ना, अनंग अनग्नांग यानी वो वस्त्र देता था जिससे व्यक्ति का नग्नत्व तो दूर हो जाता था। इसमें 10 प्रकार के वृक्ष की चर्चा बताई गई है, तो आप इसको पढ़ करके हम समझ सकते हैं। जहां पर उत्पन्न होने वाले मनुष्य को असी मसी कृषि आदि किसी भी प्रकार का आजीविका संबंधी कार्य नहीं करना पड़ता है, किंतु जिनकी सभी आवश्यकताएं वृक्षों से पूर्ण हो जाती है, ऐसी भूमि को अकर्म भूमि या
वो भूमि कहते हैं, ये मैंने पहले बात बताई थी। और जो कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं उनको सब कुछ करना पड़ता है। अभी हम हैं कर्म भूमि के युग में हम जी रहे हैं, इसीलिए आज के मनुष्य को जॉब करनी पड़ती है। 80 का मतलब है 80, मशी और कृष्ण। 80 का मतलब तलवार, अपनी सुरक्षा के लिए लोग तलवार भी रखते हैं। मसी का मतलब है लिखना, ये स्याही, इंक होता है, इंक लिखा जाता है। आजकल तो लैपटॉप इंटरनेट से आगे लिखने का काम बहुत कम होता होगा। मसी का मतलब लिखने का काम, लिखा पट्टी। जो बिजनेसमैन होते थे पहले, अपने चौपड़े में नोट में सारा नोट करते थे, किसने कितना लिया, कितने भाव में बेचा, पूरा लेखा जो वो अपने नोटबुक में रखते थे। आजकल आप लैपटॉप में रखते हैं। 80 मसी कृषि, कृषि का मतलब खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी भी होती है। तो वर्तमान समय में हम जो जी रहे हैं, यानी चौथे आरा, पांचवा आरा, छठा, तीसरे आरे के अंत में वृक्ष तो मतलब लगभग लगभग समाप्त तो हो चुके थे। तो तीसरे आरे में भगवान ऋषभ के उस समय कल्प वृक्ष कम होने लगे थे। तो भगवान ऋषभ ने सब कुछ सिखाया उनको, कैसे खेती करना, कैसे बाड़ी करना, कैसे शिल्प, कैसे कला, सारी जो भी कलाएं थी, 72 कला, वो सब कलाएं भगवान ने सिखा दी। तो उस समय तीसरे आर्य के अंत में ये कल्प वृक्ष कम हो जाते हैं। तब ये 80 कर्म भूमि का समय आ जाता है, यानी कर्म करो, श्रम करो, सफल बनो। उस समय से ये आता है, अभी तक वो चलेगा, यानी पांचवें आर्य के अंत तक ये चलेगा। और छठे आर्य में तो सब प्रलय हो जाएगा, यानी पांचवें आर्य के एंड में सब प्रलय हो जाएगा। जैसे अभी आज हम सुन रहे कि हरिकेन आने वाला है, तो ये मायामी फ्लोरिडा जो अमेरिका में, यहाँ पे हरिकेन आता है जिसको साइक्लोन बोलते हैं। तो इसी इसमें स्पीड से इतनी हवाएं चलती हैं, आज पढ़ रही थी 155 स्पीड से वो चल रही है हवा। तो उस समय भी उससे भी ज्यादा वो स्पीड से वो ऐसी हवाएं चलेगी, तो सारी सब कुछ मकान सब कुछ गिर जाएंगे, सब कुछ बस केवल हम उस समय क्या रहेगा, एक गंगा नदी और सिंधु नदी, दो नदी रहेगी, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी उस समय नहीं रहेगा। ऐसा छठारा भयंकर दुखदाई होगा। तो जो धर्म नहीं करेगा वो छठे आर्य में उत्पन्न होगा। तो अभी से अपन तो अच्छा है कि कम से कम पांचवे आर्य के स्टार्टिंग में आ गए। अब ऐसा कर्म न करे कि वापस समय छठे आर्य में आना पड़े, तो हमें ऐसा कर्म नहीं करना है कि छठे आर्य में आना पड़े। तो पांचवा, चौथा आरा, पांचवा आरा, ये सारा कर्म भूमि का है। छठे आर्य में तो लोग बेचारे कुछ खाने को ही मिलेगा उनको, तो वो जो गंगा नदी में जो मछलियां होगी उसको वो लेकर के आएंगे, उसी को पेट में डालेंगे, उसको खाएंगे, उनका आहार भी ऐसा होगा। तो छठे आर्य के जीव बड़े दुखी होंगे। उनकी हाइस्ट उम्र कितनी होगी, 20 साल की उम्र होगी हाइस्ट। 16 साल की तो बूढ़ी हो जाएंगे। अभी जैसे अपन होते हैं 60 साल के बाद, 70 ईयर में, लगभग 70 ईयर के आसपास वो ओल्ड एज आती है, वृद्धावस्था मानते हैं। उस समय 16 उम्र के, जब अभी तो 16 के तो बच्चे मानते अपन, टीन बोलते ना अभी, किशोर है किशोर, लेकिन उस समय तो 16 ईयर में तो ओल्ड हो जाएंगे। 6 वर्ष की स्त्री बच्चे पैदा करेंगी, वो एक साथ 8-10 बच्चे जैसे होते हैं ना, सुअर होते हैं, एक साथ कितने बच्चे पैदा करते, वैसे वो बच्चे पैदा करेंगे, वो उसके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। और उनकी हाइट कितनी होगी, मुंडा मुंडा हाथ, यानी अपना हाथ है ना यहाँ कोहनी तक, बस उतना सा उनकी छोटी छोटी हाइट होगी। अभी से कई कुछ कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि बहुत छोटे हाइट वाले होते हैं, वो कुछ कुछ नमूने हैं छठे आर्य के। तो वो छठे आर्य में बस इतने छोटे छोटे जीव होंगे, मतलब हाइट बहुत कम होगी। जैसे पांचवे पहला आ रहा था उसमें इतनी हाइट ज्यादा थी, और भगवान ऋषभ की 500 धनुष थी, तो पहले आर्य के मनुष्य की तो 800 धनुष थी, इतनी लंबी उनकी हाइट थी उस समय। तो अभी जो हाथी है ना, वो तो उस समय चींटी दिखती थी, मतलब चींटी भी इतनी बड़ी होती थी उस समय। तो उनको उनकी इतनी बड़ी, मतलब कितने मंजिले मकान होते थे, 84, भगवान ऋषभ के 84 मंजिल मतलब मकान थे, तो उतनी लंबी उनकी हाइट थी। इतना बड़ा उनको बैठने के लिए, रहने के लिए स्थान भी इतना बड़ा चाहिए थे, इतनी हाइट वाले, क्योंकि हाइट बहुत लंबी थी। धीरे 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 करके हाइट कम होती गई। अब हम देख रहे कि अरिष्ट नेमि की 10 धनुष की थी, भगवान महावीर की 7 ही थी, तो वो धीरे धीरे कम होती है। अभी तो 7 भी नहीं रही, अभी तो 5, हमारी 5 फुट ही रह गई है। तो उस समय अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अब छठे आरंभ और कम होती जाएगी। तो यहाँ बता रहे हैं,
कि जो कर्म भूमि के मनुष्य होते हैं उनको तो सब कुछ करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, रसोई खाने की बात है, कपड़े भी धोना पड़ता है, बिजनेस भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आप कहेंगे मशीन आ गई, लेकिन मशीन में भी तो डालना पड़ता है आपको अपने हाथ से। मशीन में बर्तन भी आप मान लो करते हैं तो मशीन में बर्तन डालना पड़ता है, मशीन तो कोई अपने आप लेती नहीं है। और आप रोटी भी मशीन की बनाने के लिए के आ गए, लेकिन उसमें भी आटा तेल पानी सब डालना पड़ता है। लेकिन वृक्ष कल्प वृक्ष थे, उनमें तो कुछ डालना नहीं पड़ता था, जो भी इच्छा करते वो हाथ में तुरंत वो वस्तु आ जाती थी। तो कल्प वृक्ष की ये विशेषता थी, बस जो मांगो वो रेडी होता था, हमारे लिए तैयार हो जाता था। तो कल्प जो कर्म भूमि के मनुष्य उनको तो सब कुछ करना पड़ता है, अकर्म भूमि मनुष्य को कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है। वो योगलिक युग भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक लड़का और एक लड़की जन्म साथ में लेते थे और अंत में वो दोनों ही पति पत्नी बन जाते थे। और जब आयुष्य लगभग 6 महीना होता तब नेक्स्ट बर्थ का उनका आयुष्य बनता था और उनके लगभग बच्चे का पालन लालन पालन वो 49 डेज करते, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। और वो मृत्यु भी कैसे होती थी, एक को छींक आती एक उबासी आती, बस उतने में उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस समय कोई उनके शरीर में पेन नहीं होता था, कोई दर्द नहीं होता था, बस आराम से छींक लेके छींक ली और मृत्यु हो गई, बस उतना सा टाइम लगता था उनको। और मर करके वो योगलिक होते थे, वो स्वर्ग में ही जाते थे, वो ना नरक में जाते थे ना मनुष्य बनते थे, मनुष्य नहीं बन सकते थे। और क्योंकि वो उन्होंने कोई पाप नहीं किए, उन्होंने मतलब पाप नहीं किए इसलिए नरक में भी नहीं जा सकते हैं, छल कपट नहीं करते थे इसलिए तिरंज गति में भी नहीं जा सकते हैं। तो वो उनके नियम ही है कि योगलिक है वो मर करके स्वर्ग में ही जाते हैं, एक योगलिक नरक में गया वो अच्छेरा हुआ है, 10 आश्चर्य इस अवसर के निकाल में हुआ है, उनमें एक अच्छेरा है एक योगलिक है वो नरक में गया, वो आश्चर्य अच्छेरा है। अच्छेरा का मतलब है अनहोनी घटना, जो कभी नहीं होने वाली घटना होती है उसको बोलते अच्छेरा। जैसे भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना खाली गई, ऐसा कभी नहीं होता कि तीर्थंकर बोले और उनकी वाणी को कोई झेलने वाले न हो, नहीं होता है, लेकिन ऐसा हुआ, वो अनहोनी घटना हो गई जिसको हम बोलते अच्छेरा। तो ऐसे 10 प्रकार के अच्छेरे भी होते, वो आगे चर्चा आ सकती, इसमें नहीं आई, नहीं तो इसमें भी आ जानी चाहिए थी, पर वो सारी बातें नहीं देंगे क्योंकि फिर ग्रंथ बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए तो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन कौन से आपकी इच्छा होती होगी कि जल्दी बता दे, ताकि पता चले कि कौन से वृक्ष से क्या क्या मिलता था। तो जो फर्स्ट वृक्ष है जिसका नाम मध्यांग जाति के वृक्षों से अकर्म भूमि के मनुष्य को मधुर मदिरा प्राप्त होती है। यह मधुर मदिरा का मतलब वो शराब नहीं है, यहाँ मतलब लिक्विड जो भी होता था, इतना स्वीट होता था, जो भी लिक्विड होता था उनको वहां से लिक्विड, जो भी पेय पदार्थ आपको पीना है, सपोज आपको मिल्क पीना है, आपको जूस पीना है, जो भी पीना है, वो सारे कहाँ से हिलते थे, मध्यांग वृक्ष के पास जाते तो सारी पीने की चीजें मिल जाती थी, जूस से मिल जाते थे, मिल्क जो भी खीर पीना है, जो भी आपको पीना है वो सब उसके पास जाते, मांग करते तुरंत वो दे देता था। भृंग जाति के वृक्षों से उन्हें भाजन पात्र मिलते थे, यानी आपको खाने के लिए जिस पात्र चाहिए, पात्र यानी पॉट चाहिए, आपको बर्तन चाहिए, तो भृंग जाति के वृक्ष से वो मिलता था। जिस जैसा आपको प्याला चाहिए, कटोरी चाहिए, सोने का चांदी का जो भी चाहिए, जो भी मांग करते वो मिल जाता था। तुरंग जाति के वृक्षों से उन्हें वाद्यंत्र प्राप्त होते थे, कभी कभी क्योंकि वो लोग तो कुछ उनके पास काम धाम था नहीं, वो वाद्यंत्र बजाते थे, ऐसे बैठे बैठे बजाते रहते थे, तो वाद्यंत्र वो मांगते, तो वो जो भी मांगते, वीणा मांगी के क्या जो भी होता ना, अलग अलग बहुत सारे वाद्यंत्र होते हैं, गाने के लिए भी, बजाने के लिए भी, डांस करने के लिए भी, कई प्रकार के होते, तो जो भी मांगते उनको उसी समय मिल जाते थे तुरंग जाति के वृक्षों से। दीपांग जाति के वृक्षों से दीप यानी प्रकाश मिलता था, उस समय सूर्य चंद्र नहीं होता था, तो सूर्य चंद्र नहीं थे तो वो प्रकाश कौन करते थे, वृक्ष करते थे, वृक्ष में इतना प्रकाश होता था कि सूर्य चंद्र जैसे वो लगते थे। दीपांग जाति के वृक्ष से प्रकाश मिलता था और ज्योतिरंग वृक्ष से अग्नि के सदृश प्रकाश प्राप्त होता है।
अग्नि के सदृश का मतलब है उस समय सूर्य चांद जैसा होता है ना प्रकाश, वैसा प्रकाश उस समय ये ज्योति नाम का जो वृक्ष है वो सूर्य चंद्र के समान प्रकाश देता था। चित्रांग वृक्षों से नाना प्रकार के पुष्प प्राप्त होते हैं, जो चित्रांग वृक्ष है उससे नाना प्रकार के पुष्प यानी फ्लावर्स जो भी आपको अच्छे अच्छे डिजाइन की चाहिए सारे फ्लावर्स मिलते थे। चित्ररस जाति के वृक्षों से अनेक रस वाला भोजन प्राप्त होता है, किसी को भोजन खाना है एकदम स्वादिष्ट टेस्टी भोजन खाना है वो चित्ररस वृक्ष के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं आज मुझे खीर खानी है, आज मुझे क्या खाना है, इडली डोसा जो भी उस समय पता नहीं क्या था मुझे, तो वो जो भी मांग करते वो सारी आ जाती थी। मन्यंग जाति के वृक्षों से आभूषण प्राप्त होते थे वो, क्योंकि वो भी गहने पहनते थे, आभूषण पहनते थे, चूड़ी चाहिए, नेकलेस चाहिए, घड़ी चाहिए, कान के लिए रिंग चाहिए, ना सरी चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी वो आभूषण मांगते, पायल चाहिए पैरों में पहनने के लिए, कंदोरा चाहिए, जो भी पट्टी चाहिए, जो भी चाहिए वो सारे आभूषण मन्यंग नाम का वृक्ष देता था। गेहाकार वृक्ष से उनको निवास स्थान प्राप्त होता था, यानी गेहाकार यानी घर, यानी ये गेहाकार नाम का जो वृक्ष था उनसे बोलते कि मुझे महल चाहिए, कि मुझे बंगला चाहिए, कि मुझे बड़ा हाउस चाहिए, जो भी मांगते थे वो उनको गेहाकार वृक्ष से मिल जाता था। अनग्न वृक्ष उससे वस्त्र मिलते थे, आपको जैसी डिजाइन का वस्त्र चाहिए, जैसी फैशन का वस्त्र चाहिए, छोटा बड़ा जो भी साड़ी चाहिए, ड्रेस चाहिए, क्या चाहिए वो जो भी मांग करते वो उनको मिल जाते थे। तो ये 10 प्रकार के वृक्ष वो अकर्म भूमि के मनुष्य के पास ही होते हैं, मतलब उस समय ही होते हैं, अकर्म भूमि के टाइम ही होते हैं, यानी पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, तीसरे आरे के एंड में ये खत्म हो जाते हैं और उसके बाद सब लोग कर्म करते हैं और उसके खेती बाड़ी सब वो शुरू कर देते हैं। तो उस समय अग्नि, क्योंकि पहले आरे दूसरे आरे में अग्नि नहीं थी, तीसरे आरे के एंड में अग्नि पैदा होती है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उस समय खाना नहीं बनाते थे, खाना बनाना नहीं पड़ता था, अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद वृक्ष कम हो जाते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है और लोग उसमें खाना पकाने शुरू कर देते हैं। इससे पहले ना बर्तन बनाते थे ना कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि सारी चीजें वृक्ष से मिल जाती थी इसलिए उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था। और नेक्स्ट है इमिशेणम रण पभाय पूर्वी अथे गयाणम नेरियाणम जहन नेणम दस वास सहस्ताइन की पनकता। ये लास्ट में लगभग सबके एक जैसी आती है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है क्योंकि 10 की चीज बतानी है, इसलिए हम बताएंगे। कुछ रत्न प्रभा के नारकी जी ऐसे हैं जिनकी उम्र कितनी है, 10 वास सहस्ताइन 10,000 ईयर, 10,000 वर्ष की मिनिमम, मैक्सिमम तो 33 सातवीं नारकी की होती, मिनिमम नारकी की जो उम्र होती है, देवता की उम्र होती है मिनिमम कम से कम 10,000 वर्ष की होती है। मतलब कोई भी देवता बनता है, नारकी बनता है, नारकी नरक में उत्पन्न होता है, तो उनको कम से कम 10,000 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 33 सागरूपम की, जो अनुत्तर विमान जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है वहां 33 सागरूपम के और यहाँ नारकी में सातवीं नारकी की है वो 33 सागरूपम की है। इमिशेणम रेण पभाय पूर्वी अथे गयाणम नेरियाणम 10 पलियों वमान थी पनकता। जो यहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें कुछ नारकी जी ऐसे हैं जिनकी स्थिति 10 पल्योपम की है और चौथी पुढ़वेद जो चौथी नारकी है, चौथी नारकी पंख प्रभा है, उस नारकी के कुछ नैरिक ऐसे हैं जिनकी उम्र कितनी है, 10 सहस्राइन 10,000 वर्ष, 10 सागरूपम की है चौथी नारकी के और चौथी पुढ़वी अथे गयान ने 10 सागरूपम थी पनता। और जो चौथी पुढ़वी अथे ज्ञान जो अच्छा चौथी का तो हो गया, चौथी नरक पृथ्वी 10,00,000 नरकावास है पहले तो, हाँ निर्यावास का नरकावास है। और चौथी नारकी के कुछ जीव ऐसे जिनकी स्थिति 10 सागरूपम की है और पंचमी पुढ़वी और पांचवी जो नारकी है उनकी स्थिति कितनी है नारकी जीवों की, जगन्य 10 सागरूपम की है, मिनिमम 10 सागरूपम है, मैक्सिमम तो कितनी है शायद 17 सागरूपम की होगी क्योंकि पांचवी नारकी ना
उतनी स्थिति है। तो मिनिमम 10 सावरूपम किए, कम से कम चौथी नारक में जी जाता है तो उसको 10 सावरूपम तक तो रहना ही पड़ता है। 10 सावरूपम का टाइम पीरियड तो बहुत ही लंबा है, उतने समय तक वहां रहना पड़ता है। वैसे ही देवता में बता रहे हैं, अब असुर कुमाराणम देवाणम अथे गयाणम जहां निर्दस वास सहसम भी पनता। जो असुर कुमार देवता है उनमें से कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी मिनिमम उम्र कितनी है, 10,000 वर्ष की है। असुर इंद्र जाणम भूमि जाणम देवाणम अथे गयाणम जहां निर्दस वास सहाय थी पनता। असुर इंद्र को छोड़ दो, वज्राणम छोड़ करके कितने ऐसे जहां अथे गए ना, कितने भवनपति जो देव हैं, भूमि जान मानी भवनवासी देव हैं, उनकी जन जहन्य जगन्य अंश 10,000 वर्ष की कही गई है। और असुर कुमाराणम देवाणम अथे गयाणम 10 पल्लियुगमान थी पनत्ता। जो असुर कुमार देवता है उनमें से कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी उम्र कितनी, 10 पल्लियुगम की है। वायर वनस्य कायाणम उपकोषेण 10 वास सहन थी पनत्ता। जो बादर वनस्पति का है, वायर का मतलब बादर, बादर जो वनस्पति का है, वनस्पति से वनस्य बन गया, तो बादर वनस्पति का जी है उनकी स्थिति भी कितनी है, उत्कृष्ट 10,000 वर्ष की। यानी बादर वनस्पति में जीव चला जाता है तो उनको मैक्सिमम 10,000 वर्ष तक वहां रहना पड़ता है, यानी उसी में जन्म उसी में मृत्यु होती रहती है। बादर वनस्पति का मतलब है जो हमें आंखों से दिखाई देती है, जैसे गाजर है, गाजर मूली तो वो साधारण वनस्पति होगी, वो भी वनस्पति है। जो केला है, बनाना है, वो भी वनस्पति है। यानी वनस्पति में जीव चला गया मैक्सिमम, और किसी की कम आयुष्य होता है तो वो कम में भी चला जा सकता है, 1 घंटा 2 घंटा में भी आयुष्य पूरा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम 10,000 वर्ष तक, और 1,000 भी रह सकता है, कोई 2,000 भी रह सकता है, कोई 3,000 भी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम रहेगा हाईएस्ट तो वो 10,000 वर्ष, 10,000 तक वो वहां रहेगा। और मान मंत्राणम देवाणम अथे गयान जहन नेर दस वास सहसम थी पनता। तो मान व्यंतर देव है उनमें से जो कुछ देव ऐसे है जिनकी स्थिति मिनिमम जहन मिनिमम 10,000 वर्ष की है, 10,000 ईयर की है। सोहमी साणी सुकप्पेसु अथे गयाणम देवाणम 10 पल्लियुगमान थी पनत्ता। मम्बलोय कप्पे देवाणम उपकोशेणम 10 सागरोगमान थी पनत्ता। सोहम्मी साणेशु यानी सौधर्म ईशान, सोहम्मी और ईशान सौधर्म ईशान, पहला देवलोक सौधर्म, दूसरा देवलोक ईशान। तो सौधर्म ईशान कल्प में कुछ देव ऐसे हैं जिनकी स्थिति 10 पल्लियुगम की है। और ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक पांचवा देवलोक है, तो उसमें जो देव है उनकी हाइस्ट स्थिति 10 सागरूपम की है। लंते कप्पे देवाणम अथे गयाणम जहां नयन 10 सागरूपम थी पनता। जो लांतक देवलोक है, ब्रह्मलोक के बाद है लांतक, लांतक कल्प में कितने देव की ऐसी स्थिति है जो 10 सागरूपम की है। और वहां जो विमान है, तो विमान में कौन कौन से विमान, देवा देव नाम का विमान है, घोषम यानी घोष, सुघोष यानी सुघोष, महाघोष यानी महाघोष, नंदी कोष यानी नंदी कोष, सुस्वरम का मतलब सुस्वर, मनोरमम का मतलब मनोरम, रम्मम का मतलब रम्य, रम्य था इसमें ये का लोप हो गया इसलिए म को डबल हो गया, द्वित्व हो गया, रम्मगम रम्यक था रम्यक, तो क को ग हो गया, क गच ज दबा, तो रम रम्यक का रम्मगम हो गया। और रमणिज्जम रमणीय का रमणिज्जम हो गया। तो मंगलावर्तम मंगलावर्त बम्बलोक, ये जो ब्रह्मलोक का वतंसक है, जो विमान है उनमें जो देवता उत्पन्न होते हैं उनकी मैक्सिमम क्वेश्चन का मैक्सिमम स्थिति कितनी है, 10 सागरूपम की है। तेरम देवा दसन्नम अद्धमासाणम आणमंतिवा पाणमंतिवा उसंतिवा निशंतिवा तेषीणम देवाणम दसहिम वास सहस्यम अहर्थे समुपज्जयि। जो जिन देवताओं की स्थिति 10 सागरूपम की है वो क्या करते हैं, कितने महीनों से श्वास लेते हैं, 5 महीनों से लेते हैं। दसन्नम अर्धमासम, जो 10 महीने के आधे मास करेंगे तो 5 महीने से, फिफ्थ मंथ से वो
एक श्वास को लेते और छोड़ने में उतना समय लगा देते हैं, एक श्वास लेते मात्रा लेना और छोड़ना उसको एक मानेंगे, तो 5 महीने के बाद वो एक श्वास को लेते और छोड़ते हैं। तेजीरम देवान दस सहिम वास सहसिम आहारते संपत्ति, उन देवताओं को दसहिम वास 10,000 वर्षों के बाद उनको आहार करने की इच्छा होती है, भोजन करने की इच्छा कब होती है, 10,000 वर्ष बीत जाते तब जाकर के उनके मन में आता है कि आज मुझे कुछ खाना है, बस इच्छा की उनके मुंह में अमृत रस आ जाता है, उसी से उनकी तृप्ति हो जाती है। फिर वापस 10,000 वर्ष बीतेंगे तो वापस उनको खाने की इच्छा होगी, तो ऐसे कितने कितने वर्षों तक उनको भूख की अनुभूति भी नहीं होती है, फिर भी वो त्यागी नहीं कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो त्याग नहीं करते। कई लोग बोलते कि हम तो खाते तो है नहीं, हम तो यूज तो करते नहीं, तो त्याग करने में क्या फायदा। अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो आप त्याग की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और उससे आपको पाप, कभी भी सामने कोई वस्तु आएगी त्याग नहीं तो आप खा सकते हैं, क्रिया आपको लगती रहती है, और त्याग करने से हमारा जो अवृत आश्रव था वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसके बाद कोई डर नहीं है कि हमें पाप कर्म का आगमन होगा, तो देवता 10,000 वर्षों तक नहीं खाते हैं, फिर भी उनको पाप लगता है, क्योंकि उनको त्याग नहीं है, उन्होंने त्याग नहीं किया खाने का, वो सहज ही उनका नेचुरल ऐसी स्थिति होती है उनकी बॉडी की, तो उनको भूख की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए 10,000 वर्षों के बाद खाते तो भी उनको 10,000 वर्ष के तपस्वी नहीं कहे जाएंगे। और अपन एक उपवास करेंगे त्याग के साथ, तो वो उपवास का हमें फल मिलेगा। कई लोग उपवास करते पूरे दिन भूखे रहते, शाम के टाइम आते समय जी उपवास बचका हुआ, उपवास का हमें पहले दिन ही पचक लेना चाहिए। 4 सूर्य की साक्षी से उपवास होता है, यानी शाम के टाइम सूर्य की साक्षी से पचकना, दूसरे दिन का 2 सूर्य सुबह का और शाम का, तीसरे दिन का सूर्योदय होने के बाद ही हम पालना कर सकते हैं। नौकाशी करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूर्योदय के साथ जो करते हैं कई लोग पालना, तो 4 सूर्य की साक्षी से उपवास होता है, इसलिए चतुर्थ भक्त उपवास को कहा जाता है। तो ऐसे उपवास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भूखे रह गए। कई लोग होते संवत्सरी को शाम के टाइम आते समणी जी प्रतिक्रमण के टाइम, समणी जी उपवास पचका, आज हमने उपवास किया था, हमने कहा अरे इतना लेट क्यों पचकते समणी जी, हमने कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन लेकिन पचका नहीं, तो हमने कहा पचका नहीं तो आपका उपवास नहीं हुआ, अब बस रात्रि का त्याग हो गया आपका। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले दिन ही सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले पचक लेना चाहिए। तो वो 4 सूर्य के साक्षी से उपवास होता है। आप कहेंगे हम तो दिन में खाते नहीं, रात को ही हम इतना लेट आते हैं तो रात को खाना पड़ता है, तो कम से कम 10 बजे के बाद तो न खाएं, वो संकल्प कर सकते हैं। तो 10 बजे के बाद उपवास करना है, 10 बजे के बाद नहीं खाना है, वो संकल्प कर सकते हैं। ऐसे भी नॉर्मल वे में भी 10 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, रात्रि भोजन न करें तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 10 बजे के बाद तो हम खाना नहीं खाएंगे, 10 बजे के बाद हम त्याग करेंगे। तो कितने भव सिद्धिक जी ऐसे हैं जो 10 भव प्रहण करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, कर्मों से मुक्त होंगे, परम निर्वाण प्राप्त करेंगे और सब दुखों का अंत करेंगे। ऐसे करके हमारा आज 10वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 10 स्थानक समवाय समाप्त। तो अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। पहले 5 मिनट प्रयोग करा देते हो क्या ध्यान का, फिर मंगल पाठ और फिर प्रश्न कर लेते हैं अपन ऐसे। ओके।